अस्सलाम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 18 फ्रॉम लेसन नंबर 2। टॉपिक है हमारा एलसीएम बाय 3 नंबर्स। आगे जो हमने एलसीएम फाइंड किया है वो हमने 2 नंबर्स पे किया है, अब जो हम एलसीएम फाइंड करेंगे वो 3 नंबर्स पे होगा। द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स इंक्लूडिंग द कॉमन फैक्टर्स यूज्ड ओनली वंस। फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स इज स्टिल नो हार्डर देन फाइंडिंग इट फॉर 2 नंबर्स। एलसीएम में हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो प्राइम फैक्टर्स होगा, उसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर्स भी होंगे और कॉमन फैक्टर्स को हम एक ही बार यूज करेंगे, और जो बाकी प्राइम फैक्टर्स होंगे उनका हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट। और एलसीएम जो है वो 3 नंबर्स का फाइंड करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम 2 नंबर्स का फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है 12। 12 के जब हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे वो हमारे पास बनेंगे 2, 2 और 3। अगर हम 15 के फैक्टर्स बनाएं तो वो क्या हमारे पास बनेंगे, 3 और 5। इस तरह जब हम 18 के फैक्टर्स बनाएंगे तो वो हमारे पास होंगे 3, 3 और 3। अब अगर हम देखें तो 2 और 3 ये दोनों हमारे पास कॉमन फैक्टर्स होंगे, और इनको हम लिखेंगे। फर्स्ट पे हम 2 को लिखेंगे, अब जो 2 रिमेनिंग रह गया है हम उसको लिखेंगे, फिर जो 3 हमारे पास जो तीनों में कॉमन है उसको 1 टाइम लिखेंगे, इसके बाद 15 में जो 5 रह गया है वो लिखेंगे, और जो लास्ट पे 3 रह गया है वो लिखेंगे। मतलब ये कि जो कॉमन फैक्टर थे उनको हमने एक बार लिखना है, और जो रिमेनिंग जितने फैक्टर्स रह गए हैं उनको भी हमने लिखना है, और सबको हमने क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। जब हम सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 180। तो 180 12, 15 और 18 का क्या है, एलसीएम। पेज नंबर 41 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एलसीएम बाय ड्यूएन मेथड। तो हम इसका भी एलसीएम फाइंड करेंगे बाय ड्यूएन मेथड से। तो यहाँ पे हम इन तीनों नंबर्स को लिखेंगे पहले, अब हम देखेंगे कि क्या हमारे पास ये तीनों नंबर्स 2 पे डिविजिबल हैं कि नहीं। अब ये जो तीनों नंबर हैं ये हमारे पास इवन नंबर है, और इवन नंबर ऑलवेज डिविजिबल होते हैं 2 पे। तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास आएगा 2 1 2 2 2 4 और 2 3 6। आप अगर हम देखें तो इसमें से एक नंबर हमारे पास 2 अभी मौजूद है, तो हम इसको दोबारा 2 से डिवाइड करवाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 1 2, और 1 भी वैसे ही आएगा और 3 भी वैसे ही आएगा। अब ये तो हमारे पास 1 बन गया, अब हमने 3 को जब डिवाइड करवाना है तो 3 हमारे पास एक प्राइम नंबर है और 3 सिर्फ खुद पे ही डिवाइड होगा, तो हम करवाएंगे 3 1 3। अब इन तीनों नंबर्स को हम जब हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। और 12 जो एलसीएम है वो किसका है, 4 2 4 और 6 का। इसी तरह हमारे पास इसका ई पार्ट है 5 10 एंड 20, इसका भी हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो अगर हम देखें तो इसमें 10 और 20 ये दोनों इवन नंबर्स हैं, इट मींस कि ये नंबर्स 2 पे डिविजिबल हैं। तो जब हम 2 से इसको डिवाइड करवाएंगे तो 2 5 का 5 ऐसे ही आएगा, 2 5 का 10 और 2 10 का 20। अब अगर हम देखें तो इसमें 10 जो है ये इवन नंबर है, तो ये अगेन 2 पे डिविजिबल होगा। तो ये 5 हम वैसे ही नीचे उतारेंगे और 10 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। अब ये तीनों 5 हैं तो ये सिर्फ 5 पर ही विजिबल होंगे क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। तो इसी तरह हमारे पास 111 आएगा। अब जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हम तीनों नंबर्स को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। 2 2 सा 4 और 4 5 सा 20, तो इनका क्या एलसीएम आएगा हमारे पास, 20। पेज नंबर 41 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ऊपर जो हमने एलसीएम फाइंड किया था वो हमने ड्यूएन मेथड से किया है, आप जो एलसीएम फाइंड करेंगे वो हमारे पास होगा प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो यहाँ पे पहले हम 4 के जो है वो प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, तो वो हमारे पास क्या होंगे, 2 और 2। इस तरह हम 8 के बनाएंगे तो वो हमारे पास होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आप अगर हम देखें तो जो 2 है वो हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स को हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। अब जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, 2। आप जब एलसीएम निकालते हैं तो हम कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं नॉन कॉमन फैक्टर के साथ, तो जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या आया है, 4, और जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या आया है, 2।
जब 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8। तो 8 इसका क्या होगा, एलसीएम। इस तरह हम इसका ई वाला पार्ट करते हैं 6, 18 एंड 32। पहले हम 8 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, तो हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 8 क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरह हम 16 के बनाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरह हम 32 के बनाएंगे, तो इसमें हमारे पास 2 जो है वो 5 टाइम आएगा, और ये तमाम 2 पे ही डिविजिबल है क्योंकि ये इवन नंबर है। जब हम इसके कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो 4 टाइम जो है वो 2 आएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो इसका जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या आएगा, 16। अब जो नॉन कॉमन फैक्टर है, मतलब जो रिमेनिंग हमारे पास फैक्टर बच गया है जिसकी सर्कल नहीं बना, वो हमारे पास क्या है, 2। अब हम एलसीएम जब फाइंड करेंगे तो हम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को क्या करवा देंगे आपस में, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, 32, और ये इसका क्या होगा, एलसीएम। नेक्स्ट आपकी डायरी है, पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सी और डी पार्ट आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।